हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शाहनवाज आलम, मैथमेटिक्स लेक्चरर, करीम सिटी कॉलेज, मानगो कैंपस। ये मेरा 11th वीडियो लेक्चर है। आज के इस वीडियो लेक्चर के टॉपिक में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और ऑपरेशंस टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है वो हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द टू मैट्रिसेस, हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस। यहाँ पर डिवाइड वाला केस नहीं है, यहाँ पर इनवर्स फाइंड किया जाता है। जैसे मान लो 1/2 है तो हम उसको क्या लिखते हैं, 2^-1। उसी तरीके से 1/a होगा तो उसको हम लोग लिखेंगे 2^-1। यहाँ पर उसको ए इनवर्स पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का सबसे पहले डेफिनेशन कि व्हाट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ओके ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल और इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन सच दैट A into B is equal to B into A is equal to I, I for identity matrix। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, कोई दो मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो A into B हो या B into A हो, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो इस केस में B A का इनवर्स कहलाएगा या फिर A B का इनवर्स कहलाएगा। ओके, Here B is called the inverse of A और A is called the inverse of B। We write, हमने B को यहाँ पर inverse माना है A का, इसलिए B is equal to, we write B is equal to A inverse। इसको पढ़ते क्या है, 2^-1 को A inverse। तो यहाँ पर अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें B की जगह A inverse तो क्या हो जाएगा, A A inverse, या फिर A inverse को A से multiply करेंगे तो I identity matrix आएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई के केस में मल्टीप्लाई ऑपरेशन में अगर 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, 3 को अपने इनवर्स से मल्टीपल इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3×1/3 1, तो 1 वहाँ पर नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके से A को अगर A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तो हेयर A^-1 इज कॉल्ड A इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, लेट ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है 2/2 का, बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 2/2 का, ए इंटू बी हमने निकाला, यहाँ मल्टीप्लाई किया। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ कि रो वन को आपको कॉलम वन से मल्टीप्लाई करना और एलिमेंट्स को ऐड करना है, फिर ख़त्म हो जाएगा तो फिर रो वन को कॉलम टू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस रो वन को हम कॉलम वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3×2=6, -5, फिर 3×5, फिर रो वन को कॉलम टू में जा रहे हैं, 3×5=15, 5×3=15। ठीक है, ऐसी रो टू को कॉलम वन से, रो टू को फिर कॉलम टू से, या ये दोनों आ जाएगा। मल्टीप्लाई का नियम हमने सिखा चुके हैं। तो ये क्या आ गया, देखो ये हमारा आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करने से ये आ गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ देखेंगे ए इंटू बी आ गया। उसी तरीके से बी इंटू ए को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे, ये फिर से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्रिएट कर रहा है आई। तो हियर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दैट इज बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स जो हो गया बी मैट्रिक्स हो गया, बी मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स गिवन है उसको लिख दो, मतलब बी जो हो गया ए का इनवर्स हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से हमको, लेकिन ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर कंपैटिबल होना चाहिए। जो रूल है कि नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स में, ऑर्डर कंपैटिबल होना चाहिए। ठीक है, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है इसीलिए नो प्रॉब्लम, और आइडेंटिटी केस आना है इसीलिए यहाँ पर हमेशा स्क्वायर ही मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है रूल्स को चेक करने के लिए। तो दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करने से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो दूसरा वाला मैट्रिक्स पहले वाले मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। ठीक है, या पहले वाला मैट्रिक्स दूसरे का भी इनवर्स हो सकता है। ठीक है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि एवरी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ अ यूनिक इनवर्स। मतलब
हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर पॉसिबल है तो उसका जो इन्वर्स होगा यूनिक होगा। यूनिक का मतलब सिर्फ एक होगा, एक के अलावा नहीं हो सकता। इन्वर्स अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है तो वो सिर्फ एक होगा। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये है कि ओनली द इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज पॉसिबल। सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकाल सकते हैं, किसी और मैट्रिक्स का नहीं, रेक्टेंगुलर का नॉट पॉसिबल, ठीक है। तीसरा आप याद रखेंगे ये कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आई बी दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। देन अगर ए को आई से गुना करें, मल्टीप्लाई करें, या आई को ए से गुना करें तो वापस ए ही आएगा। ऐसा सारे मैट्रिक्स के लिए होगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, वापस वही मैट्रिक्स आपको मिलेगा। जिस तरह से किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर वापस आ जाता है, उसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वो मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ सिंबल है, इसको याद रखेंगे। सिंगल एरो, देखो इसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेस्ड बाय यहाँ पर, ठीक है। और अगर डबल एरो होगा, इधर से भी एरो हो गया डबल एरो, तो क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग इंटरचेंज विथ। याद रखेंगे, सिंगल एरो रिप्लेस्ड बाय डबल एरो इंटरचेंज विथ। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, थ्री एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं। पहला ऑपरेशंस क्या है कि किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। रो आई इज इंटरचेंज विथ रो जे, एनी टू रोज आर इंटरचेंजेबल। यहाँ पर तीन लॉज हैं, तीन रूल्स हैं, इसको हमेशा याद रखेंगे। इसके अलावा कोई और रूल्स नहीं है ना एलिमेंट्री ऑपरेशंस के लिए, या तो रो में होगा या तो कॉलम में होगा, ठीक है, या तो रो या तो कॉलम में होगा, ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो द एलिमेंट्री, थ्री एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं, कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन है रो आई इज रिप्लेस्ड बाय, ये सिंगल एरो है, ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है। रो आई इज रिप्लेस्ड बाय के टाइम्स ऑफ रो जे, वेयर के इज नॉन जीरो नंबर। एंड रो आई का मतलब रो वन, रो टू, रो थ्री इज रिप्लेस्ड बाय, जो यहाँ रखेंगे वो यहाँ पर रखेंगे, ओके, जो यहाँ वो यहाँ पर। रो आई इज रिप्लेस्ड बाय रो आई प्लस के टाइम्स ऑफ रो जे, वेयर के इज नॉन जीरो नंबर। इसी तरीके से कॉलम के लिए भी आएगा, थ्री एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंजेबल। कॉलम आई इज इंटरचेंज विथ कॉलम जे, कॉलम आई इज रिप्लेस्ड बाय के टाइम्स ऑफ कॉलम आई। देखो यहाँ कॉलम आई है तो कॉलम आई, मतलब कॉलम वन होगा तो यहाँ कॉलम वन होगा, कॉलम टू होगा तो यहाँ कॉलम टू होगा, ठीक है। थर्ड में कॉलम आई इज रिप्लेस्ड बाय, मैं बोल रहा हूँ रिप्लेस्ड बाय, कॉलम आई इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम आई प्लस के टाइम्स ऑफ कॉलम जे, के इज नॉन जीरो नंबर, जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर क्या है, इंटरचेंज विथ, मतलब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, सम ऑपरेशंस आर टू बी डन। एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल टू रो वन में 2 3, रो टू में 4 5। अब यहाँ हम इंटरचेंज कर रहे हैं, रो वन इज इंटरचेंज विथ रो टू, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगा आपको। ये रो वन क्या होगा, रो टू में आ जाएगा, रो टू क्या होगा, रो वन में आ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात, रो वन के सारे एलिमेंट रो टू में आ जाएंगे, रो टू के सारे एलिमेंट कहाँ चले जाएंगे, रो वन में। ये हो गया डन। फिर सेकंड उसी पर ही है, रो वन इज रिप्लेस्ड, वहाँ इंटरचेंज बोला था, यहाँ पर रिप्लेस बोल रहा रो वन को रिप्लेस करिए किस से, रो वन प्लस रो टू से, मतलब रो वन इज रिप्लेस बाय रो वन प्लस रो टू। इसका अर्थ है कि हमको रो वन को बदलना है रो वन और रो टू के एलिमेंट्स को ऐड करके। क्या करेंगे हम, ये हमारा रो वन है और ये हमारा रो टू है, तो हम लोग रो वन प्लस रो टू ऑपरेशंस को यहाँ परफॉर्म करेंगे और लिखेंगे उस एलिमेंट्स को कहाँ पर, रो वन में, मतलब रो वन प्लस रो टू करना है तो सामने सामने वाले एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। 2 प्लस 4 यहाँ लिखा जाएगा, 3 प्लस 5 यहाँ कहाँ लिखाएगा, रो वन में, कहाँ लिखाएगा, रो वन में, इधर यहाँ पर रिजल्ट है ना, यहाँ पर आउटपुट लिखाएगा। तो ये क्या बन गया, 6 8 4 5, ये इक्विवेलेंट है ना, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो गया 6 8 4 5। रो टू को कुछ करने नहीं बोला इसलिए रो टू एज इट इज रहेगा, रो टू को कुछ करने नहीं बोला, जिसको कुछ करने नहीं बोला वो एज इट इज रहेगा, ओके। तीसरा एक एग्जांपल देखते हैं, लेट ए एक मैट्रिक्स हमने माना है, यहाँ पर लिखा है रो वन इज रिप्लेस्ड बाय रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री। इसका क्या मतलब है कि रो वन को बदलना है कैसे, रो वन के सारे एलिमेंट, रो टू के सारे एलिमेंट और रो थ्री के सारे एलिमेंट को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे सामने सामने ऐड होगा ना, मतलब एक कॉलम के सारे एलिमेंट ऐड होते जाएंगे सामने सामने। ये पूरे को ऐड कर दो, 2 प्लस 4 प्लस 2 यहाँ कहाँ लिखाएगा, रो वन में। 1 प्लस 0 प्लस 1 कहाँ लिखाएगा, रो वन में। 3 माइनस 1 प्लस 0 कहाँ लिखाएगा, रो वन में। रो टू एज इट इज, रो थ्री एज इट इज, जैसा है वैसे ही रहेगा, उसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ ऑपरेशन कहाँ करना है, रो वन में। कैसा ऑपरेशन करना है, रो वन के सारे एलिमेंट को, रो टू के सारे एलिमेंट को, रो थ्री के सारे एलिमेंट को सामने सामने ऐड करके कहाँ लिख देंगे, रो वन में। ये बन गया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ नंबर एग्जांपल है,
ए एक मैट्रिक्स हमने माना, इसमें क्या बोल रहा है, कॉलम टू इज रिप्लेस्ड बाई कॉलम टू माइनस थ्री टाइम्स ऑफ कॉलम थ्री। मतलब क्या करना है, कॉलम वन को हम लोग एज इट इज रखेंगे, कॉलम वन में जो जैसा है वैसे ही रखेंगे, ठीक है। कॉलम वन में हमने लिख दिया, कॉलम टू को क्या करने बोल रहा है, कॉलम टू माइनस, मतलब कॉलम टू को हमने लिखा फिर माइनस लिखा, क्या बोल रहा है, थ्री टाइम्स ऑफ कॉलम थ्री। कॉलम थ्री में कौन है, ये है ना, तो थ्री थ्री जा नाइन यहाँ लिख दिया, थ्री जीरो जीरो, थ्री वन जा थ्री, और कॉलम थ्री के एलिमेंट्स को हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि सिर्फ हमको कॉलम टू में ऑपरेशन करना है, ये लिख दिया हमने। तो ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस वन टू वन, माइनस फाइव वन, जीरो थ्री जीरो वन, ठीक है। आपको आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से देख कर प्रैक्टिस करो, अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।